हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट टॉक। कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो भाई आज हम बहुत ही मस्त किस्म का वीडियो लेकर आ गए। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन आर्मी हेल मार्च 2024। तो भाई साहब आज हम हेल मार्च को रिएक्ट करने वाले हैं। यार हेल मार्च होता कैसा है यार? ये तो तू देखेगा तो तुझे पता लगेगा कि हेल अच्छा मार्च होता कैसा है। तो भाई यार, साहब मैंने वॉच कभी नहीं करते हैं, देखा यार। भाई साहब वॉच करते तभी आगे का पता अच्छा लग रहा अच्छा है। तो कट ऑन करते स्टार्ट। ओए ओए ओए, क्या माहौल है अभी। ये ये तो फ्रांस अंग्रेज का पीएम था। फ्रांस का? हाँ अभी तो मोदी जी ने यानी कि हेल्प रेड में फ्रांस के पीएम को बुलाया हुआ है। यानी कि मुझे लगता है बहुत गहरी दोस्ती है। बहुत ये दे। और ये साथ में कौन से थे, कौन थे? ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये भाई साहब इंडिया की प्रेसिडेंट है। ओ और ये एक टीचर है। अच्छा, टीचर प्रेसिडेंट है। वाह यार, जो डिजर्व करता है उसको देते हैं, हमारी तरह नहीं। कसम है से, वाकई टीचर को यहाँ कौन देता है? जेल में घुस के बाहर निकलो तो पीएम बन जाओ मुल्क। हाँ यहाँ तो यही होता है। हाय हाय हाय, ये देखो फ्रांस का भी आया था। हाँ यार, ये बहुत मजे की मुझे लग रही है यार। ये देख, ये भी बाहर की लग रहा है यार। फ्रांस की इतना मजा नहीं यार। हाँ आई इन हियर इंडियन। ये देख घोड़ों में यार, ओए 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 ओए, कितने घोड़े हैं यार। और देख रहा है एक साथ लाइन में और एक साथ घोड़े भी पांव रख रहे हैं। 90 आई टैंक्स, देख कितने खतरनाक। ओए ओए ओए, ये कैसे टैंक्स? ये भीष्मा जी के नाम पे रखा हुआ है, 1090 भीष्मा टैंक। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने पितामह जी के नाम का। हां पितामह के। अरे वाह यार, ये देख भाई साहब, ये क्या है? तो लेजर है वेपन। और ये क्या था ट्रक पे जो ये रॉकेट प्रोजेक्ट ना, वो ये ब्रिजिंग सिस्टम है जो पास है, वो ब्रिज बना देते हैं। अभी क्या क्या इंडिया में रखा हुआ है? हाँ भाई ये देख, ये देखना भाई साहब, डिफेंस सिस्टम इंडिया के इतना खतरनाक। तो भाई साहब ये सारे, अच्छा ये जो भी चीजें आएंगी ना, ये सारी मेड इन इंडिया है। कोई एक चीज इस बार बाहर की यूज नहीं हुई है। अब ये देख कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। फ्रांस के देख यूं हल्के हल्के कर रहे थोड़ा भी इंडियन देख। हाँ ये, और एक साथ खूबसूरती देख सिर्फ। ओए होए होए होए, एक साथ हाथ ऊपर, एक साथ हाथ हाय, नीचे। हाय कसम से भाई साहब, ओए होए होए, ये देख ओए वुमेन्स है ये खुर्रम। अबे ये तो नारी थी, दूर से नहीं लग रहा था ना। नहीं अबे क्या यार, सिख रेजिमेंट आई है ना हेयर। ये देख सालों, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं यार ये। हेल्प प्रेड करते हो? ये देख कुरखान। अच्छा मतलब ये मुख्तलिफ स्टेट की जो है ना, वो मतलब आर्मी अपना वो कर रही है। वाह यार वाह, अबे नारियां भी हैं यार, ये बड़ी प्राउड की बात है कि मोदी की नारी को भी आ गई। वरना हमारे यहाँ अगर वो 23 मार्च की जो आजकल पता नहीं होती है कि नहीं होती, उसमें तो नारी कोई होती ही नहीं। कसम यार, बहुत मजे किए यार ये। ये देवे नेवी आई है ना। अच्छा ये नेवी है। ओए होए होए, अभी ये क्या चीज है? एयरफोर्स बैंड आई है। अभी ये भी नारी है। हाँ नारी को इस तरह, ये देख यानी कि मर्दों के शाना पशाना किस तरह प्रमोट किया जा रहा है। वाह यार वाह, ये क्या है? ओए 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 ओए, अबे क्या मजे की हेल परेड है यार। हाय हाय, ये देव लड़कियां बीएसएफ बैंड। ओहो अबे लड़कियों की देखी है तूने यार हेल परेड? बहुत आला बहुत आला। अबे नारी भी बहुत है यार, बहुत मर्दों से ज्यादा दौड़ते हैं। मुझे वाकई यही लग रहा है मेरी। यस यार, आईटीबीपी बैंड, ये देख नारी नारी। एसएसबी कंटिंजेंट। ओ अभी ये कौन है? ओ ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कोई शक नहीं कोई शक नहीं, ये इनके ताज थे या क्या? बहुत खूबसूरत। ये देखना मेरा यार,
अबे ऊंटों पे यानी कि कोई चीज नहीं छोड़ते यार ये हिल मार्च पे, तो हर चीज दिखाते हैं भाई अपनी। और ये सारी मेड इन इंडिया है। वाह यार वाह, किंकर मेरी तो आंखें खुल गई हैं यार ये हिल मार्च। हमारे पाकिस्तान में नहीं, ये क्या है, क्या सजाया हुआ है यार। हर देख हर हर स्टेट की संस्कृति को दिखाया। हाँ ये देख, वो यानी कि अपनी पूरी संस्कृति को उजागर करना। छत्तीसगढ़ मजा आ गया, हमारे यहाँ ऐसा होता है। राजस्थान नहीं, ऐसा मजा नहीं है, पैसा ही नहीं है तो मजा ही किधर। हाँ ऐसे ही बात है, आटा मिल गया बहुत बड़ी बात है। लद्दाख आया भाई, लद्दाख भी उनकी जो संस्कृति है। ओए देखना यार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, रामराज आया ही है तो। अच्छा ये यार ये वो हाँ जो लोग लाइव देखते होंगे कितना मजा आता होगा उनको। ये दे ना, ये बैठे हुए सारे लोग। ओए ओए ये रहा, इंडिया ने लोहा मनवाया यार दुनिया में। वाकई यार वो क्या यूनिक यूनिक कलरों से सजाया हुआ है। सही का बड़े यूनिक है ये, देख ना ये है यूनिक। नारी नारी है, वाह यार मान गए मोदी जी आपको। ये देख यार किस तरह खूबसूरत यार ये कर रहे हैं यार, किस तरह लाइनें बना के एक डिसिप्लिन से। ओए 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 ये लड़कियां हैं। हां हां ओ ज़ालिम, ओए हाय ये सारी लड़कियां, ये सारी लड़कियां ये। हां अबे मैं किसी का नहीं समझा था, मैं समझा ये लड़कियां लड़कियों से कल से। हां अब सही ऐसी नजर आई। ये क्या कर रही है, भारत की लड़की ऐसा काम कर रही है। ये मैं कहता हूँ कि जो भारत की लड़की कर सकती है वो किसी देश की नहीं कर सकती। वही तो ऐसे स्टेप बाइकों पे। अबे ये देख, ओहो अबे खतरनाक स्टेप तो आप आए हैं यार। वो जालम ऊपर वो रॉकेट रख के, ओहो ये क्या है भाई, ये मजे करा दिए मजाक में यार। ये बहुत हार था, कहाँ छुपाई उनकी मजाक में यार। ओए 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 बराम बास देख ले भाई, वो सालम ये होते हैं धूप बंद। बाकी ये एंड वालों ने तो लेवल कर दिया, लड़कियों ने जो स्टंट किए हैं बाइक पे यार। ये देख फिर इंडियन एयरफोर्स अपने जलवे दिखाते हुए, SU-30 की शान देख है। हाय 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 यार ये देखना जहाज, मजा आ गया। ये है इंडियन एयरफोर्स की जहाज। ये देख रफ्तार तू सिर्फ चेक कर वजह जहाज। और इनके पास जहाज कितने मतलब वो कहते हैं कि खतरनाक है भी है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब, मजा करवा क्या दिया यार बोलेगा भाई साहब इस बार। मैं कहता हूँ यकीन करो, हम छोटे होते हुए सीधी सी बात है कि अपने वो 23 मार्च को जो परेड होती थी ऐसा मजा नहीं होता था उसमें, वो सीधी सीधी चीजें बताते थे, अब तो होती नहीं है। लेकिन ये जो हिल मार्च के बांधे लगे पड़े हैं तो भाई अब किधर से होगी, आटा आटा खाएंगे भाई साहब, हिल मार्च कराएंगे। वाकई और बड़ा पैसा खर्च होता है इस और उधर देख भाई अबे मैं वही तो कह रहा हूँ हिल मार्च मुझे मजा आ गया। यानी के वो जो क्या नाम था फ्रांस के जो PM मैक्रोन जी, हाँ मेरे ख्याल से उनके भी वो बताया था उनका, मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सिंपल सा था उनको तो। लेकिन जब इंडियन आर्मी आई उसकी जो भाई सब बंदर हाथ हिलाना और सब कुछ था। और एक बात बताऊँ तुझे, मैंने तो एक और चीज भी नोट की है, हाथ पांव
और जो घोड़े चल रहे थे उनके भी पांव एक साथ घोड़ों के। अबे कैसे सिखाया घोड़ों को यार, ये बात तेरी एकदम करेक्ट है। ये इंडियन आर्मी का देख ना किस तरह स्ट्रेटनेस है। और यार बंदा तो सीख जाता है, घोड़ों को कैसे सिखाया कि एक साथ यूं स्टेप रखना भाई साहब। मतलब ये इंडिया की आर्मी प्रोफेशनल, सब घोड़ों की लेफ्ट पांव आगे तो फिर सेकंड राइट पांव आगे, यही तो सीन है खोराम भाई साहब इंडियन आर्मी का। और ऊपर से जब नारियों ने अपने जलवे दिखाए यार, वो लेवल था, वो आखिरी था, वो इतने खतरनाक थे यार। यकीन करो पहले मैं नहीं समझा था, मैंने कहा ये वही है इंडियन आर्मी जवान है। जब वजाद ने बोला कि ये नौजवान नहीं है, ये नारी इंडिया की, यकीन करो मैं यकीन नहीं कर सका यार। कसम से भाई कि इंडिया की नारी इतने बड़े काम कर रही है, क्या क्या ऐसे काम तो हमारे पाकिस्तान में मर्द नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता ना, पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई, मैं कहता हूँ कि नारी भी ऐसा नहीं काम कर सकती जो ये। और यार मोटरसाइकिलों पे क्या क्या पोज बनाए हैं, यूं खड़ी हो रही हैं, यूं खड़ी हो रही हैं, घूम रही है मोटरसाइकिल पे, घूम सांग सीढ़ी लगा सीढ़ी, और एक साथ वो जो इतनी लड़कियों ने यूं बनाया हुआ एक बाइक पे, यार कैसे भाई साहब, कैसे यार ये करती है ना। यार कसम से मजा आ गया इंडिया के अलमा के। मुझे वजात हर चीज उनके मतलब वो जो मेड इन हथियार सब देखे वो भी बड़े खतरनाक लग रहे थे, लेकिन जो नारी का स्टंट देखा ना यकीन कर वहां मुझे बहुत खुशी हुई, बड़े गूज़बम्प्स मिले कि एक नारी वो भी बाइक पे इतने खतरनाक खतरनाक स्टंट वो भी हिल मार्च पे दिखाती है। देख ले तो यार, मजा आ गया यार। क्या थॉट इस बारे में तेरी वीडियो तुम करते तो